दिग्गज कलाकार मिथुन चक्रवर्ती के फैंस और करीबियों की चिंता उस वक्त बढ़ गई थी जब फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सेट से अभिनेता के बेहोश होने की खबर सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूरी में एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे मिथुन शनिवार को अचानक सेट पर बेहोश हो गए थे और गिर पड़े थे, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। मिथुन और उनकी सेहत को लेकर सेट पर मौजूद लोगों की चिंता बढ़ गई थी। अब फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने मिथुन चक्रवर्ती की हेल्थ अपडेट शेयर की है। विवेक के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती अब ठीक है, उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है। इसके साथ ही विवेक ने ये भी बताया कि आखिर शनिवार को हुआ क्या था। विवेक के मुताबिक सेट पर एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से मिथुन दा पर केंद्रित था। मिथुन दा की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी, वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। विवेक के मुताबिक एक लंबे ब्रेक के बाद मिथुंदा के साथ उन्होंने सीन को कंप्लीट किया। अपने काम के प्रति मिथुंदा के इस समर्पण को देख सेट पर मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया था। मिथुंदा की हालत के बारे में बताते हुए विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि उस हालत में कोई भी आम शख्स खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन उस कंडीशन में भी वह कुछ वक्त के लिए बाहर आए और अपना पूरा शूट कम्प्लीट किया, और इसी वजह से उन्हें सुपरस्टार कहा जाता है। उन्होंने मुझे बताया था कि वह पिछले कुछ सालों में बीमार नहीं पड़े हैं। वह बार बार मुझसे बस यही पूछ रहे थे कि तुम्हारी शूटिंग तो नहीं रुकेगी ना,